हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ऑगमेंटेशन योजना, शॉर्ट में बोलते हैं इसको हृदय। हृदय योजना जी। हेरिटेज सिटी को डेवलप करने के लिए, हेरिटेज समझते हैं कल्चर एंड हेरिटेज, जो विरासत में हमें मिले हैं, जो पुराने पुराने शहर हैं, जो जैसे बनारस हो गया, जो गया हो गया, या फिर आपका कुरुक्षेत्र हो गया, जहां बहुत पुराने शहर महाभारत काल से ही चलता हुआ रहा सब कुछ, ऐसे शहरों को हम बोलते हैं हेरिटेज सिटी। तो उन सिटी के लिए, उस सिटी के लिए जो है ये स्कीम है। लेकिन द स्कीम वॉज लॉन्च इन जनवरी 2015, योजना जनवरी 2015 में प्रारंभ किया गया। इट फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटी, जनवरी 2015 में प्रारंभ किया गया। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटी, इसका लक्ष्य विरासत वाली शहरों का संपूर्ण विकास करना है। विरासत वाले शहरों का संपूर्ण विकास करना है। इट एम्स टू प्रिजर्व एंड रिवाइटलाइज सोल ऑफ हेरिटेज सिटी, एम्स टू प्रिजर्व एंड रिवाइटलाइज सोल ऑफ द हेरिटेज सिटी, टू रिफ्लेक्ट द सिटीज यूनिक कैरेक्टर। हेरिटेज सिटी, सोल ऑफ हेरिटेज सिटी, टू रिफ्लेक्ट द सिटीज यूनिक कैरेक्टर, इसका लक्ष्य विरासत वाले शहरों की आत्मा का संरक्षण करना, आत्मा का संरक्षण करना एवं उसे पुनर्ऊर्जावान करना है, पुनर्ऊर्जावान करना है, ताकि शहर का अनोखापन, अनोखापन प्रतिबिंबित हो सके, सोल ऑफ द हेरिटेज सिटी, टू रिफ्लेक्ट द सिटीज यूनिक कैरेक्टर। हर शहर जो हेरिटेज सिटी है ना, उसका अपना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसी को कह रहे हैं कि सोल ऑफ द हेरिटेज सिटी। अब गंगा घाट नहीं है तो बनारस का क्या वैल्यू, बनारस का तो महत्व तभी है ना जब गंगा घाट है वहां पे। अब गंगा घाट ही ना रहे है ना, वो डेवलप ही ना हो, टूटा फूटा रहे, इस तरह से अस्त व्यस्त रहे, तो फिर बहुत मुश्किल है। जहां पे भाई, जहां पे सैकड़ों हजारों लोग डेली जाते हैं, फेस्टिवल हो या ना हो, तब भी वहां पे सैकड़ों लोग डेली वहां जमा होते हैं, वहां स्नान करते जा करके। उसी तरह से हर शहर का अपना एक विशेष कैरेक्टर है, उनको बचा के रखना,
है ना, जहां पे कि अब से कुरुक्षेत्र, तो मैं तो गया, मैं गया तो मैं उस समय पढ़ता था कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में ही था या सेकंड ईयर में, फर्स्ट सेकंड ईयर में था मैं, नहीं मैं वैसे मैं घूमने गया आया है ना, मैं दिल्ली आया था, तो मैं सोचा कि कुरुक्षेत्र, क्योंकि मैं गीता बहुत पढ़ता हूँ, तो मैं आज से नहीं पढ़ता हूँ, बहुत बचपन से ही पढ़ता हूँ है ना, मेरे घर में ट्रेडिशनली लोग पढ़ते आए, तो हम लोग बहुत ये था, आकर्षण था कि भाई जहाँ पे महाभारत लड़ी गई हो, बच्चे थे तो मैं गया कुरुक्षेत्र, जैसे ही वहां पे उतरा, वहां बहुत सारे मंदिर उंदिर है ना, है ना, बहुत सारे मंदिर है वहां पे, तो सब मंदिर पे देखा, घुमा फिरा, पूजा पाठ किया, जो भी करना था। फिर हमने पूछा, एक ड्राइवर था बस वाले, ने पूछा यार वो जगह कहाँ है जहां लड़ाई हुई थी, ये तो बता दो, है ना, तो फिर हंसने लगा हो, तो वो देखा, सोचा कि बच्चा है कोई, कहीं बाहर से आया तो पूछ रहा हूँ, हंसने लगा, फिर बताया, अच्छा बताया वो, बोला कि देखो बेटा इतने देख रहे हो ना, इतने भी शहर बसे हुए हैं ना, है ना, ये सब पहले पहले मैदान था और यहीं पे लड़ाई हुई थी, है ना, अब कोई जगह ऐसा है नहीं दिखाने के लिए आपको कि कहे कि भाई हाँ ये जगह है जहाँ लड़ाई हुई थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि म्यूजियम चले जाओ वहाँ पे, फिर मैं म्यूजियम गया जहाँ पे कि वो कृष्ण की वो बनी हुई है, रथ के ऊपर बैठे हुए जो नहीं है, हाँ, तो वह म्यूजियम मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा आया, मैं आया था वहां की मिट्टी में लेके गया था वहां घर पे, नहीं ये अक्सर होता है, ये अक्सर होता है, ये बात आप सही कर रहे हो, ये अक्सर होता है कि जहां आप रहोगे तो उसकी इतनी अहमियत नहीं होती है ना, और फिर दूसरी बात है कि आप कितना वैल्यू करते हो उसको, है ना, क्योंकि वैल्यू हमारे अंदर पहले से था उन सब चीजों का, अभी भी वैल्यू है ना, वो जो महाभारत या और कहो कि गीता के बारे में जानने का आज भी है हमारे अंदर, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते रहते सीखते रहते हैं उसमें, गीता एक ऐसा ग्रंथ है ना इसमें जीवन का आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि जीवन का रहस्य को ही खोल के पूरा रख देते हो, और जितनी बार पढ़ोगे और जब भी पढ़ोगे ना तो नए नए अर्थ आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि वो जीवन के अनुभव से जुड़ा है, अभी आप पढ़ोगे तो अलग तरह से पढ़ोगे, 5 साल 10 साल के बाद पढ़ोगे तो फिर अलग तरीके से पढ़ोगे, फिर 20 साल के बाद पढ़ोगे तो अलग, क्योंकि हमारा लाइफ का अनुभव बढ़ते जाता है, जैसे जैसे जिंदगी में एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना उसका मीनिंग भी उसका बदलता चला जाता है, तो मैं ये चीजों को रखता हूँ, ये बात सही कहे आप, जहां आप रहते हैं तो क्या वैल्यू, सोचते कि चलो डेली आते जाते हैं, है ना, हाँ, तो जब मन करे पढ़ो ना, वही तो बात है ना, मैं जहाँ हमारा इंसेस्ट्रल होम है हमारा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, कोई रहता नहीं वहां पे है, लेकिन वहां पे बगल में ही 1 किलोमीटर भी नहीं होगा पावापुरी है, पावापुरी नाम सुने हो, जहां महावीर का पुनर् ये हुआ था, डेथ हुआ था, है ना, तो बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, एक तालाब है जैसे कि यहाँ गोल्डन टेम्पल है ना उसी तरह का, वो एक तालाब है, तालाब के अंदर मंदिर बना हुआ है, बड़े मतलब देश विदेश से लोग आते हैं, सारे गुजरात से ये वो जितने जैन सब हैं सब लोग आते हैं, हम लोग कभी नहीं गए, बगल से रास्ता ऐसे निकल जाते हैं और वो तब गए जब बहुत बड़े हो गए, जब ग्रेजुएशन कर लिया ना, तब मैं एक दिन मुझे लगा यार पहले तो अपना तो यहाँ तो देख ले यहाँ पे क्या है, आज तक तो कभी गए नहीं, रास्ता वही है हम लोग को जाने का, तो कभी मंदिर गया ही नहीं, अन्य कोई बोला कि जाना है कोई जाता ही नहीं है, आते हैं वहां से पूरे देश विदेश के लोग, देश के सारे जैन लोग आते हैं, उनका एक फेस्टिवल होता है ना दिवाली के समय, वो दिया वो जलाते हैं कुछ करते हैं, बुद्ध का नहीं है महावीर का है, जैनों का है, तो हम लोग तो जैन है नहीं तो कभी सोचे नहीं कि उस मंदिर में जाके क्या करना है, लेकिन वही होता है आप
नहीं जानते, लेकिन जिनको श्रद्धा है आपसे कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी आते हैं जो जैन लोग होते हैं, वो दिवाली के समय ही होता है उनका भी दीप फेस्टिवल कुछ कहते हैं वो। दीपावली तो हर जगह है ना, वो तो आपको देखिए यहाँ भी आपका सिख वालों के लिए में भी है दीप फेस्टिवल, वो भी मनाते हैं, उनका भी है, तो ऐसा ही होता है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये कह रहा है कि आयत है क्या पढ़ रहे थे, हर शहर का जो है ना कुछ अपना एक करेक्टरिस्टिक है, उसको बचाए कैसे, उसको प्रिजर्व करें कैसे, क्योंकि वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है ना, उस इरोजन से बचाना है उसको, उसको प्रिजर्व करना है। जो मान ली पुरानी इमारतें हैं या पुराना बिल्डिंग है या पुराना पुरानी कुछ मूर्तियां वगैरह है, उनको संरक्षित रखना कैसे रखा जाए, तो ये सारा चीज जो है हेरिटेज सिटी को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। द स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 12 सिटीज, इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 12 सिटीज इस योजना के तहत 12 शहर शामिल किए गए हैं। इंक्लूडिंग अजमेर, गया, मथुरा एंड पुरी। अजमेर, गया, मथुरा एंड पुरी, जिसमें अजमेर, गया, मथुरा और पुरी शामिल हैं। गया, मथुरा और पुरी शामिल हैं। The scheme supports development of infrastructure project. Scheme supports development of infrastructure projects. यह योजना आधारभूत संरचना के विकास में सहयोग करेगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज सैनिटेशन, ड्रेनेज, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट एटसेट्रा। आधारभूत संरचना परियोजना, क्या लिखे हिंदी में, यह योजना आधारभूत संरचना को विकसित करने में सहयोग करेगा, जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, नाली व्यवस्था, जल प्रबंधन, गलियों में प्रकाश इत्यादि। तो हेरिटेज सिटी के लिए एक प्लान बनाया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव याद रखेगा हर प्लान का, बहुत डिटेल में नहीं तो कम से कम मैंने ही इसे काफी शॉर्ट कर दिया है इसको, तो उतना इतना याद रखेगा जरूर, ज्यादा हमने नहीं पढ़ाया आपको, जितना जरूरत है उतनी पढ़ाया है, कम भी नहीं है, तो इतना कम से कम याद रखेगा कि हम कौन सा प्रोग्राम का मेन टारगेट क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहता है। डेट वगैरह अगर आप नहीं याद है कोई बात नहीं है, कब शुरू किया गया ये सब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन उनका एक जिस्ट याद रखेगा हमेशा, प्रोग्राम का नाम याद आने के साथ ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इस प्रोग्राम में मूलतः क्या है, क्या टारगेट किया गया है। हर प्लान में कुछ न कुछ तो, हर योजना में कुछ न कुछ तो टारगेट किया जाता है ना, कोई लक्ष्य बनाया जाता है क्या करना है इसके तहत से, तो वो ध्यान रखिएगा आप, है ना।